दोस्तों, सिद्धार्थ किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं नाश्ते का आइटम। नाश्ते के आइटम के लिए देखिए, हमने आज हम लोग चूरा फ्राई बनाएंगे। चूरा और बादाम को फ्राई करेंगे। बादाम हमने ले लिया है, आधा केजी के करीब में बादाम है और 250 ग्राम के करीब में हमारा ये चूरा है। इसे आइए, चलिए पहले हम लोग फ्राई करते हैं। तो हमारा तेल भी गर्म हो गया है, इसमें बादाम को डालते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे तरीके से हम लोग इसमें भून लेंगे और तेज करने के बाद फ्लेम इसको हम लोग कम कर देंगे, नहीं तो एक तरफ से बादाम लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है, तेल को हीट करने के बाद से ही हम लोग मीडियम फ्लेम में इसको भुनाई करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसे मीडियम फ्लेम में ही इसे अच्छे तरीके से इसको भून रहे हैं, नहीं तो बादाम अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, ऊपर से लाल हो जाएगा। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल है, घर में ही बना करके खा सकते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से चूरा और बादाम को खाते हैं। तो लगभग थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में हमारा ये बादाम हो जाएगा। इसी तरीके से सबको हम लोग भून करके इसे निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिया है और उसके बाद से इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ भी बादाम है, उसे हम लोग फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसी तरीके से बादाम को सबको फ्राई करके हमने निकाल लिया है और देख रहे हैं कि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है, जो बाकी का जो बचा हुआ है उसे भी अच्छे तरीके से हमने फ्राई करके निकाल लेते हैं। बाकी का जो बचा हुआ बादाम है इसे हमने डाल दिया है, उसे अच्छे तरीके से फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे। प्रॉपर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। फ्लेम जो है हम लोगों को एकदम मीडियम में रखना है, क्योंकि अच्छे तरीके से वो बादाम सीज जाए। तो देख रहे हैं दोस्तों, फाइनली हमारा बादाम को हमने सब फ्राई करके हमने निकाल लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ले छोड़ देंगे हम लोग, ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग इसमें बाकी का इसमें मसाला को यूज करेंगे, डालेंगे, उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसे थोड़ा देर हम लोग छोड़ देते हैं ठंडे होने। तो देख रहे हैं दोस्तों, जब तक हमारा बादाम ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग चूड़ा को फ्राई करके निकाल लेते हैं। उसी तेल में हम लोग फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। तो ये देखते हैं, हमारा तेल गर्म हो ही गया होगा। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, इसे में थोड़ा थोड़ा डाल करके हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो फाइनली हमारा गर्म हो गया, बस थोड़ा सा 1 मिनट उसके ऐसे ये फ्राई देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा ये फ्राई हो गया है। बस थोड़ा सा हो गया, ये हो गया है, अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा ये चूड़ा फ्राई हो गया है, बाकी का भी जो बचा हुआ है उसे भी हम लोग फ्राई करके निकाल लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे हमारा ये चूड़ा फ्राई हो गया है, बाकी का भी जो चूड़ा है वो फ्राई हम करके हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी इसे हीट तव में ही इसको चूड़ा को फ्राई होगा, नहीं तो चूड़ा अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो ये कढ़ाई बहुत ही गर्म है, इसी में हम लोग डालेंगे तभी अच्छे तरीके से फ्राई होगा ये। तो देख रहे हैं दोस्तों, फाइनली हमने चूड़ा को फ्राई कर लिया है और बादाम भी हमारा फ्राई हो गया है। 5 से 10 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब इसमें नमक और ब्लैक पेपर हम लोग मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं, हमने इसमें साबुत काली मिर्च हमने लिया है, इसे अच्छे तरीके से कूट लेते हैं। कूटने के बाद इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसमें इमाम जस्ता में हमने रख लिया है, इसे अच्छे तरीके से कूट लेते हैं, फिर इसमें मिक्स करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा ये काली मिर्च अच्छे तरीके से कूट गई है, अब इसमें मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, हमने स्वाद के हिसाब से अपना नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा,
मैंने इसमें नमक और ब्लैक पेपर जो कूटे थे उसको डाल दिए हैं इसमें, और इसे अब अच्छे तरीके से चारों तरफ से मिला लेंगे। और इसे आप बहुत दिन तक इसको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, 1 महीना तक भी डिब्बा में रख करके रखिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और इसी तरीक़े से चूड़ा को भी हम लोग मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी में बनने वाला ये नाश्ता का आइटम है। तो फाइनली दोस्तों, इसमें हमने नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें हमने ऐड किया है 1 चम्मच के करीब में। इसे भी बारीक तरीके से चारों तरीके से मिला लेंगे कि नमक जो है चारों तरफ से मिल जाए। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमक उसी हिसाब से आप इसमें मिक्स कीजिएगा जिसमें दोनों में हमने नमक डाला है अपने हिसाब से। और इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा कि नमक ज़्यादा नहीं हो, और इसे आप अच्छे तरीके से डिब्बा में बंद करके रख भी सकते हैं, अब काफ़ी दिन तक ये चल जाएगा। इसे चारों तरफ से मिला लेते हैं डाल के। तो फाइनली दोस्तों, हमारा ये चूड़ा बादाम बन करके रेडी हो गया है। आप भी बनाइए और इसे खा करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। घर का ये जल्दी में बनने वाला नाश्ता है। थैंक यू।